बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। एज वी वर डिस्कसिंग द यूनिट नंबर वन एंड दैट वाज द ह्यूमन बॉडी, वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज़ हाउ डज द हार्ट फंक्शन। आपका दिल जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। यहाँ पे हार्ट की एक डायग्राम शो की गई है जहाँ पे हार्ट के डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो शो किए गए हैं, किस तरह से वर्किंग होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर इज़ द आंसर। ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट द एट्रियम फिल्स विद द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो हार्ट की राइट साइड होती है वहाँ पे एट्रियम होता है, जिसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। वहाँ पे पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वहाँ पे कलेक्ट होता है। सो हियर इज द राइट एट्रियम। यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है। द ब्लड इज़ लो इन ऑक्सीजन सो इट इज़ पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये जो ब्लड पूरी बॉडी से आता है ये लो विद ऑक्सीजन होता है, इसलिए यहाँ पे ये कलेक्ट होता है ताकि इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल में। सो हियर इज़ द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड, ये देखें एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन टू द लंग्स वेयर इट पिक्स अप ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से ये देखें एक ट्यूब निकल रही है। ये ट्यूब ये एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, ये राइट लंग की तरफ जाती है और ये लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। यहाँ से ब्लड जो है वो आपके लंग्स की तरफ जाता है जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्लड दोबारा हार्ट में आता है। हार्ट में कहाँ पे आता है? दोबारा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे ब्लड मूव करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। सो जो ब्लड है बेसिकली किस तरह से पूरे हार्ट में मूव करता है, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ। ये देखें दो ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ से लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट पार्ट। ब्लड विद द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द लंग्स टू द राइट एट्रियम, जो सॉरी लेफ्ट एट्रियम। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट द एट्रियम फिल्स विद द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजन रिच। द हार्ट पम्प्स दिस इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउट अराउंड द बॉडी टू प्रोवाइड सेल्स विद द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड। जो हमारा हार्ट है फिर पूरी बॉडी में ये ब्लड पम्प करता है ताकि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो पूरी बॉडी को मिल सके और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की थ्री टाइप्स को एक्सप्लेन करें, वो कौन कौन सी हैं, हम वन बाय वन उनको देखते हैं। सो आंसर इज हेयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर फॉलोइंग। नंबर वन आर्टरीज, नंबर टू वेन्स, नंबर थ्री कैपिलरीज। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी आर्टरीज हैं और कौन सी वेन्स हैं और कौन सी कैपिलरीज हैं। सो दिस इज़ द आर्टरी। ये जो आपको रेड कलर का एक पाइप नज़र आ रहा है ये क्या है? आर्टरी। नंबर टू पे है वेन, ये है जी वेन। एंड नंबर थ्री हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये सेंटर में आपको एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? कैपिलरीज। व्हाट आर दीज? दीज आर कैपिलरीज। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का आपने फंक्शन बताना है वन बाय वन। वेन,
कैपिलरी, आर्टरी, एल्विलाई, स्लाइवा एंड यूरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं वेन को, वेन का क्या फंक्शन है। सो वेन इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। वेन क्या करती है, इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। हमारी पूरी बॉडी से ब्लड जो कलेक्ट होता है वो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके वेन्स क्या करती हैं, उसको हार्ट तक फेंकती रहती हैं। नेक्स्ट है जी कैपिलरीज। कैपिलरी इट कनेक्ट द वेन्स एंड द आर्टरीज। जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे ये देखें, ये आर्टरीज है और ये वेन्स हैं, और इन दोनों के सेंटर में कैपिलरीज हैं। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। सो कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज विद द वेन्स। नेक्स्ट वन इज आर्टरी। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। जैसे वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती हैं, इसी तरह आर्टरीज जो होती हैं इससे ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट है जी एल्वियोलाई। वॉट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। ये सबसे बेसिक यूनिट होता है लंग्स का। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो लंग्स का बेसिक यूनिट है उसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। दे टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर। ये एयर से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं एंड पुट इट इन टू द ब्लड, और ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। क्योंकि ये लंग्स का बेसिक यूनिट है तो लंग्स का क्या काम है, लंग्स ऑक्सीजनेट द ब्लड। सो एल्विलाई दे टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इन टू द ब्लड। नेक्स्ट वन इज स्लाइवा। स्लाइवा हमारे माउथ में फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं स्लाइवा। इट ब्रेक्स डाउन द फूड। ये फूड की ब्रेक डाउन करता है। दिस मेक्स इट ईजियर टू बाइट एंड स्वेलो द फूड। इससे क्या होता है, जब फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसको ईजीली आप अपने अंदर निगल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिटर। यूरिटर आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, यूरेन से रिलेटेड है। सो यूरिटर होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है। उसमें एक पाइप होता है, उसको कहते हैं यूरिटर। इट ट्रांसपोर्ट्स द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। ये किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके जी, ये कुछ यहाँ पे उन्होंने पूछे हुए थे ये क्वेश्चन में, के वेन, कैपिलरीज, आर्टरीज, एल्वियोलाई, स्लाइवा एंड यूरिटर, इनको एक्सप्लेन करें। हमने इनको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू एक्सरसाइज? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो दिल है वो तेजी से क्यों धड़कता है? एंड द आंसर इज, When we do exercise, our blood circulation increases because our body needs more oxygen. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। रिजल्टेंटली आवर हार्ट हैज़ टू पम्प द ब्लड फास्टर। इसलिए हमारे हार्ट को ब्लड को फास्टली पम्प करना पड़ता है। दैट इज़ वाई आवर हार्ट बीट्स फास्टर। यहाँ पे ये देखें डायग्राम शो की गई है, ये हार्ट है और ये हार्ट बीट। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है। अवर नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिव। सो हेयर वी हैव फ्यू एमसीक्यूज एंड वी हैव टू टिक द बेस्ट वन। टिक द करेक्ट आंसर। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो हेयर इज द स्टेटमेंट नंबर वन। इट इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इनमें से आपने बताना है कि नर्वस सिस्टम का कौन पार्ट है। ए ऑप्शन है आर्टरी, बी लेरिंग्स, सी स्पाइनल कॉर्ड एंड डी यूरिथ्रा। सो स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सो सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट नंबर टू। इट इज अ पार्ट ऑफ
सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम का बताना है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? आर्टरी, लेरेंक्स, स्पाइनल कॉर्ड, यूरिथ्रा। सो द आंसर इज आर्टरी, बिकॉज ये जो आर्टरी होती है क्या करती है, हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। सो द आंसर इज आर्टरी। स्टेटमेंट नंबर थ्री, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। नंबर वन आर्टरी, लेरेंक्स, स्पाइनल कॉर्ड, यूरिथ्रा। सो ये आपको नेम से यहाँ पे मेंशन मतलब वाजे हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम एंड यूरिथ्रा। सो यूरिथ्रा इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन हिस्सा है? ए है आर्टरी, बी है लेरेंक्स, सी स्पाइनल कॉर्ड एंड डी यूरिथ्रा। सो सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज लेरेंक्स जो है वो एयर पैसेज है। एयर पैसेज वे है जहाँ से हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो यहाँ से हमारे लंग्स तक जाती है। सो पैसेज वे जो है वो क्या है? लेरेंक्स। सो द आंसर इज लेरेंक्स। स्टेटमेंट नंबर फाइव, एंड दैट इज अ फाइबर दैट कैरीज इम्पल्सिस थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड डैश। जो पूरी बॉडी में इम्पल्स को मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, यूरिथ्रा। सो नर्व्स होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन से मैसेज लेके जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। तो ये किस फॉर्म में जाता है? इम्पल्स के फॉर्म में। सो द राइट आंसर इज नर्व। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज तक जो लेके जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी, नर्व, वेन, एल्वियोलस। सो आर्टरी वो होती है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक लेके जाती है। सो द आंसर इज आर्टरी। नेक्स्ट वन इज, इट टेक्स ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को एयर से निकालती है, सेपरेट करती है एंड पुट इट इनटू द ब्लड। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि एल्वियोलाई इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स एंड इट सेपरेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड। सो आर्टरी नो, नर्व नो, वेन नो एंड एल्वियोलस इज द राइट आंसर। नंबर एट इज, इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। ये क्या करती है? ब्लड जो है वो हार्ट तक लेके जाती है। सो हमारी बॉडी से जो ब्लड लेके जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वेन। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्टरी, नर्व, वेन, एल्वियोलस। सो वेन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट नंबर नाइन, द नर्वस सिस्टम हैज डैश मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? नर्वस सिस्टम हम इनको पहले डिस्कस करते हैं, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। सो नर्वस सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द राइट आंसर इज टू। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? टू, थ्री, फोर, फाइव। सो ब्लड वेसल्स हैव थ्री टाइप्स विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो राइट आंसर इज थ्री। स्टेटमेंट नंबर 11, द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू डैश चैम्बर्स। हार्ट को कितने चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है? ए ऑप्शन है टू, बी थ्री, सी फोर एंड डी फाइव। सो हार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स विच आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आंसर इज फोर। हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स, टू अपर एंड टू लोअर। लास्ट वन इज स्टेटमेंट नंबर 12, द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आर द डैश चैम्बर्स। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डैश चैम्बर्स हैं, लोअर, मिडल, अपर, नॉन ऑफ दीज।
So right atrium and left atrium are the upper chambers of the blood, sorry, heart. So the answer is upper. And the lower chambers are right ventricle and the left ventricle. So students, this is your today's lecture. You have to learn all of these questions and write in your worksheets and also learn the MCQs. Stay home, stay safe. Thank you.